17 जून 1631 को आज ही के दिन शाहजहां की बेगम मुमताज इस दुनिया से रुखसत हुई थी। अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही मुमताज का निधन हो गया था। कहा जाता है कि मुमताज ने शाहजहां से 4 वादे पूरे करने को कहा था, जिसमें से एक वादा ये था कि मरने के बाद मुमताज की याद में एक भव्य इमारत बनवाई जाए। मुमताज के निधन के 7 महीने बाद ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। अपना वादा पूरा करने में शाहजहां को 22 साल लग गए थे। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे एक भव्य मकबरा बनवाना शुरू किया। दुनिया भर से इसके लिए हुनरमंद कलाकार बुलाए गए। पत्थरों पर फूल तराशने के लिए अलग तो अक्षर तराशने के लिए अलग कारीगर बुलवाए गए। कोई कलाकार गुंबद तराशने में माहिर था तो कोई मीनार बनाने में। कहा जाता है कि 20,000 से भी ज्यादा कारीगर आगरा में आए, जिन्हें ठहराने के लिए एक अलग बस्ती बसाई गई। इसी तरह दुनिया भर से कीमती पत्थर और रत्नों को आगरा लाया गया। दिन रात ताजमहल को बनाने का काम चलता रहा और करीब 22 साल बाद ताजमहल बनकर तैयार हुआ। आज ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। इतिहास में अब बात करते हैं भारत में बने पहले फाइटर प्लेन की। आजादी के बाद से ही हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड यानी कि HAL ट्रेनर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रही थी। दुनिया के बाकी विकसित देश सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। भारतीय सेना के पास इस तरह के विमान नहीं थे। फिर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जिम्मेदारी HAL को दी। उस समय HAL के पास फाइटर प्लेन की डिजाइन और निर्माण का अनुभव नहीं था। नेहरू ने जर्मन वैज्ञानिक कर्ट टैंक से बात की। नेहरू के कहने पर कर्ट अगस्त 1956 में भारत आए। उन्होंने HAL के डिजाइनर के साथ मिलकर फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी शुरू की। 2 साल बाद टैंक की टीम ने फाइटर प्लेन का एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया था। इस प्रोटोटाइप में इंजन नहीं था और इंजन के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार आज ही के दिन साल 1961 में पहली बार भारत में बने फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी। इसे HF-24 मारूत नाम दिया गया। आज का दिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी जुड़ा है। दरअसल 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ था। अमेरिका की आजादी की 100वीं सालगिरह पर फ्रांस के लोगों ने अमेरिका को एक गिफ्ट देने के बारे में सोचा। फ्रांस के राजनीतिज्ञ एडवर्ड डी लाबोले ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थेली के साथ मिलकर मूर्ति बनाने की योजना तैयार की। जुलाई 1884 में मूर्ति को बनाने का काम पूरा हो गया। अब बड़ा काम मूर्ति को फ्रांस से न्यूयॉर्क ले जाना था। विशाल मूर्ति में से 350 छोटे छोटे हिस्से अलग किए गए और विशेष रूप से तैयार जहाज आईसेल के जरिए इस मूर्ति को न्यूयॉर्क लाया गया। 17 जून साल 1885 में ये जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाने के लिए फ्रांस के लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए $1,00,000 का दान किया था।